दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज एसी हाईपोर्ट करने जा रही है ब्रेकर का। आप देखिए 11 केवी का एक ब्रेकर है। इस ब्रेकर का आप रेटिंग देख लीजिए, एबीबी का ब्रेकर है और इस ब्रेकर का हम हाईपोर्ट टेस्ट करेंगे। हाईपोर्ट टेस्ट करने से उनका जो लीकेज करंट है कितना, उससे हम इसका हेल्दीनेस को चेकअप कर सकते हैं। आप देखिए ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट हम देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि आप तो 60 केवी तक हम उसको वोल्टेज स्टेप अप कर सकते हैं। ये एक इंजेक्शन किट है। इस इंजेक्शन किट में आप लेके एक वेरियक लगा हुआ है और हम इसमें कितना केवी तक वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे वो हम सेट करके इंजेक्ट करेंगे। उसमें एक केबल निकला है, आप देखिए ये केबल, ये ब्रेकर का जो एक टर्मिनल में, अभी ब्रेकर आपका ओपन कंडीशन में है, इस कंडीशन में हम एक बार मापेंगे और क्लोज कंडीशन में भी एक बार मापेंगे। तो ओपन कंडीशन में जो वोल्टेज हम इंजेक्ट कर रहा है अप टू 22 केवी, तो ये एक साइड में हम लगा दिए हैं ऊपर में और उसका रेफरेंस का केबल उसका नीचे लगाया आर्क हेड में और उसको आर्क भी कर दिया। अब देखिए ये रेफरेंस केबल आया और उस साइड में हमने उसको आर्क कर दिया। अभी ये हो गया डिटेल अबाउट द कनेक्शन। ये तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये इंजेक्शन किट और ये हो गया आपका ब्रेकर। अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। अभी ऑन कर दिए। अभी ये देखिए इधर हम लीकेज करंट उसको मापेंगे। अभी ऑन हो गया। अभी ऑन होने के बाद वेरियक से हम उसका वोल्टेज, ट्वेंटी टू केवी तक लेके जाएंगे। हाँ अब देखिए 22 केवी तक लाए फॉर वन मिनट के लिए फॉर 22 केवी, तो उसका रिजल्ट हम देखेंगे। वो रिजल्ट तो आने के बाद आप देखिए इधर से आप दिख रहा है जो हमने उसमें 22 केवी अप्लाई किया है तो लीकेज करंट कितना आ रहा है। आप देखिए 22.4 हम अप्लाई करते हैं, 0.7 मिली एम्पियर आ रहा है लीकेज करंट। और ये फेज टू आर्थ है, तीनों फेज आर वाई भी तीनों फेज के साथ आर्थ के साथ है, ओपन कंडीशन में और क्लोजिंग कंडीशन में, दो कंडीशन में। अभी लगभग एक मिनट होने वाला है तो देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। अभी 9 सेकंड बाकी है, 7 सेकंड, 0.8 मिली एम्पियर उसका लीकेज करंट आया। इससे पता चलता है कि आपका ब्रेकर का कंडीशन हेल्दी है। Thank you.